से काम के लिए निकला था सुबह, तो जब ये काम के लिए निकला तो 10:30 के बीच खबर आई कि आपका बेटा जो है शहीद हो गया। और पुलिस ने साथ ही में हम लोगों ने खबर भी देखी कि ये रोड एक्सीडेंट, पुलिस ने सबसे पहले चढ़ाया था, ये रोड एक्सीडेंट था। अगर इसकी क्लिप नहीं होती तो ये अभी तक रोड ही एक्सीडेंट होता। मतलब कि ये पुलिस सबसे पहले झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मतलब कि रोड एक्सीडेंट, ये कहाँ का रोड एक्सीडेंट है? इसमें तो क्लिप भी है कि इसको बड़ी बहरहमी के साथ इसके ऊपर गाड़ी चलाई गई। पहले तो ये थोड़ी रफ्तार में चल रही थी, तो इसने तो पहले इसको धक्का मारा, उसके बाद इसके ऊपर ही चढ़ी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और एक चीज़, कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और कातिल को 6 ही दिन के बाद ज़मानत भी मिली, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं यही बताना चाहता हूँ, क्या यही इंसाफ है? और किसी के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है तो उसको यही फिर 6 ही दिन में ज़मानत हो जाती है, उसको ज़मानत किसने दी है? सबसे पहले मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि कातिल अभी तक घूम रहा है, क्योंकि ये आज मेरे भाई के साथ हो गया, कल तो ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम इसको कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और हमारे साथ इंसाफ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपके पास आया? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया।